हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे केस फोर। तो ये केस फोर कुछ इस तरह है कि अगर एक सिस्टम गिवन है हमें, तो सिस्टम के अंदर दो इक्वेशंस हैं, तो उन दो इक्वेशन से इक्वेशन नंबर वन जो है तो उसमें दोनों वेरिएबल्स क्वाड्रेटिक होने चाहिए, और सेकंड इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल है वो उसमें सिर्फ एक क्वाड्रेटिक होना चाहिए और एक लीनियर होना चाहिए। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो हमें सिस्टम गिवन है एक, मतलब दो वेरिएबल्स के अंदर सिस्टम है जिसमें दोनों वेरिएबल क्वाड्रेटिक है, मीन्स स्क्वायर्ड है। तो ये इक्वेशन नंबर वन है। और एक और सिस्टम इक्वेशन हमें गिवन है इस सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर एक क्वाड्रेटिक है और दूसरा जस्ट लीनियर है। जिस तरह एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक, एक्स क्वाड्रेटिक है और वाई जस्ट लीनियर है। तो इन ये इक्वेशन नंबर टू है। तो इस टाइप की इक्वेशंस को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं? तो इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर के वेरिएबल को एलिमिनेट करना होगा। अगर ये एलिमिनेट हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा जस्ट बी वाई स्क्वायर, एफ वाई और कोई कॉन्स्टेंट टर्म। इट मीन्स हमारे पास बचेगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सिर्फ एक वेरिएबल के अंदर होगी, तो उसको सॉल्व करना कुछ ईजी होता है। इसके अंदर हम एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट करेंगे। अगर ऐसा कोई केस आ जाए जिसमें वाई स्क्वायर को करना पड़ा है, तो वो कौन सा केस होगा? तो वो सपोज तो कौन सा होगा, ए एक्स स्क्वायर फर्स्ट इक्वेशन कुछ इस तरह ही होगी, दोनों इक्वेशंस दोनों वेरिएबल्स क्वाड्रेटिक हैं, और जो सेकेंड इक्वेशन होगी वो कुछ इस तरह होगी, डी वाई स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस एल इज इक्वल टू जीरो। अब हम देख सकते हैं कि इसके अंदर वाई स्क्वायर दोनों में क्वाड्रेटिक है और एक्स स्क्वायर सिर्फ एक में क्वाड्रेटिक है, और दूसरा वेरिएबल जस्ट लीनियर है एक्स में और एक कॉन्स्टेंट टर्म है। अगर वाई स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा तो हमारे पास जस्ट बचेगा ए एक्स स्क्वायर, के एक्स और कोई कॉन्स्टेंट टर्म। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी जो सिर्फ और सिर्फ एक्स के वेरिएबल में होगी, तो उसको भी सॉल्व करना कुछ ईजी होता है। तो ये केस फोर है। अगर इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो कॉमन दोनों में क्वाड्रेटिक टर्म होता है, वेरिएबल होता है, उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जाम्पल कुछ इस तरह है, फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दी 25 एंड वाई स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू दी 5। ये इक्वेशन नंबर वन, ये इक्वेशन नंबर टू। अब हम देख सकते हैं कि हमारी एक इक्वेशन के अंदर दोनों वेरिएबल्स क्वाड्रेटिक हैं, और सेकंड इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक वेरिएबल क्वाड्रेटिक है और दूसरा लीनियर है। तो इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, हम जो कॉमन क्वाड्रेटिक होता है उसको एलिमिनेट कर देते हैं। अब वाई स्क्वायर दोनों में कॉमन क्वाड्रेटिक है, मीन्स यहाँ भी क्वाड्रेटिक है वहाँ भी क्वाड्रेटिक है, तो हमें इसको एलिमिनेट करना होगा। अब एलिमिनेट करने के लिए क्या करना होगा हमें, कि इन दोनों का कोफिशियंट सेम है, अगर इसी इक्वेशन को मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो वाई वाई से कट जाएगा, वाई स्क्वायर से कट जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा इक्वेशन नंबर टू राम इक्वेशन नंबर वन। तो पहले हमने इक्वेशन नंबर वन को लिखना होगा, फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दी 25 और वाई स्क्वायर पहले जस्ट एक्स को लिख लें, बिकॉज हमने वाई को वाई के नीचे ही लिखना है। तो वाई स्क्वायर पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव ही आएगा और 5। हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट के अंदर सिंबल्स चेंज हो जाती हैं, वाई स्क्वायर से कट जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर नेगेटिव वाई स्क्वायर, यहाँ बचेगा जस्ट 4x स्क्वायर नेगेटिव 2x, ये वाई स्क्वायर कट गया, 25 में से 5 गए जस्ट 20। अभी हम 2 कॉमन फैक्टर ले लें तो क्या बन जाएगा, मतलब दो तो 2 इज द कॉमन फैक्टर, तो 2x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू दी 20 टेबल 1 टाइम्स इस पर 10 टाइम्स। तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी, 2x स्क्वायर माइनस x, ये 10 यहाँ का पॉजिटिव है उस साइड आएगा तो बन जाएगा नेगेटिव, बट हमने मिस्टेक की, ये पॉजिटिव है। देख सकते हैं कि 4x स्क्वायर पॉजिटिव और इसकी साइन चेंज हो गई थी, ये पॉजिटिव हो गया था, तो ये 2x पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव ही आएगा। अब हमने इक्वेशन एक अचीव कर ली जो क्वाड्रेटिक है सिर्फ एक वेरिएबल के अंदर। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जस्ट इसको फैक्टर लेने पड़ेंगे, 2 × 10 = 20, सब्ट्रैक्ट ऐड करके 1 आए, तो इट मीन्स 5 × 4, 2x स्क्वायर जस्ट 5x माइनस 4x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब मैं 5x से मैं से 4 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो हमें जस्ट x मिलेगा, अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो नेगेटिव के
20x स्क्वायर मिलेंगे जो फर्स्ट एंड लास्ट की मल्टीप्लिकेशन है। तो इन दोनों में से जस्ट x कॉमन है, तो x को कॉमन लें तो यहाँ बच जाएगा 2x प्लस यहाँ बचेगा जस्ट 5। इन दोनों में 2 कॉमन है, नेगेटिव 2, तो नेगेटिव 2 इनसे डिवाइड होगा तो ये बच जाएगा 2x, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी, 5 में से जस्ट 5 इज इक्वल टू 0, 10 में से 5 बचा क्योंकि 2 हमने कॉमन ले लिया। तो 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 दोनों में कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लें आप। यहाँ से ये 2 कॉमन निकला तो ये बचा x, यहाँ से ये कॉमन निकला तो बचा नेगेटिव 2। अब मल्टीप्लीकेशन दो नंबर इज इक्वल टू 0, इट मीन्स इन दोनों में से एक को 0 होना चाहिए, या इसको 0 होना चाहिए या फिर इसको 0 होना चाहिए। तो इस इक्वेशन को 0 करने के लिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो x की वैल्यू होगी 5 उस साइड जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई उस साइड डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू होनी चाहिए नेगेटिव 5 अपॉन 2। और इसको इस इक्वेशन को 0 के इक्वेट करने के लिए x की वैल्यू पॉजिटिव 2 होनी चाहिए क्योंकि नेगेटिव 2 पॉजिटिव 2 से ऐड होगा तो ही 0 बनेगा, या नेगेटिव 2 उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव 2। तो हमें मिल गई दो इक्वेशंस, दो वैल्यूज ऑफ दी x। तो इन वैल्यूज ऑफ दी x के रिस्पेक्टिव y की कुछ वैल्यूज होंगी जो दोनों सिस्टम्स को सॉल्व करेंगी क्योंकि इन दोनों में x भी है और y भी है। तो x की वैल्यू मिल गई है और हमें इस वैल्यूज के मुताबिक y की वैल्यूज चाहिए जो इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सके। तो सपोज हमने क्या किया, हमें ये वैल्यूज मिल गई तो हम इक्वेशन नंबर 2 में ही इनको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, बट सब्सटीट्यूट करने से पहले हमें y की वैल्यू को सेट करना पड़ेगा, वो इस तरह y स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें सब्सटीट्यूट करने से पहले हमें क्या करना होगा, हमें इसको y के इक्वेट करना होगा, ये y स्क्वायर है तो यहाँ पर नेगेटिव 2 पॉजिटिव उस साइड जाएगा, नेगेटिव है तो उस साइड जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, सही। अब क्या करना है, y स्क्वायर को y में कन्वर्ट करना है, तो y स्क्वायर को y में कन्वर्ट करने के लिए हमने स्क्वायर रूट लेनी पड़ेगी दोनों साइड पे, और यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट आएगी तो इक्वेशन बन जाएगी कुछ y इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 प्लस 2x। तो हमें एक y की वैल्यू मिल गई, y इज इक्वल टू दी प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2x। तो हमें सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये x की वैल्यूज हमें दोनों इसके अंदर पुट करनी पड़ेंगी, इस वैल्यूज के मुताबिक कुछ आंसर आएगा, इस वैल्यू के मुताबिक कुछ आंसर आएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या पढ़ना होगा, दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करनी पड़ेंगी, एक वैल्यू है नेगेटिव 5 अपॉन 2, एक वैल्यू है जस्ट 2। तो नेगेटिव 5 अपॉन 2 इसमें पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस 2x, तो x की वैल्यू है नेगेटिव 5 अपॉन 2, तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस माइनस माइनस यहां पर जस्ट बच रहा है 5, तो 5 5 से कटा तो 0 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 0, तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 ही होती है और 0 कभी भी प्लस माइनस नहीं होता, तो जस्ट 0। तो हमें इस वैल्यू x वैल्यू की वैल्यू पे y की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करना होगा, इस x की वैल्यू पे y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें पता है y की वैल्यू है स्क्वायर रूट प्लस माइनस 5 प्लस 2x, तो हमें पता है कि x की वैल्यू 2 है, तो प्लस माइनस 5 प्लस 2x पहले ही था और 2 x की वैल्यू, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 मीन्स 4, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 5 प्लस 4, तो 5 प्लस 4 इज 9 एंड 9, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज जस्ट 3 प्लस माइनस 3। तो इट मीन्स हमें कुछ वैल्यूज मिल गई, एक पेयर मिल गए, x की वैल्यू ये है तो y की वैल्यू ये होनी चाहिए, x की वैल्यू ये है तो y की वैल्यू ये होनी चाहिए, तो y की दो वैल्यूज मिल गई हैं। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, इस सिस्टम का सॉल्यूशन सेट बनेगा वो ये होगा, अगर x की वैल्यू नेगेटिव 5.2 है तो y की वैल्यू 0 होनी चाहिए, और अगर x की वैल्यू 2 है तो 3 होनी चाहिए और नेगेटिव 3 होनी चाहिए,
क्योंकि हमें यहाँ से दो वैल्यूज मिली है, प्लस थ्री माइनस थ्री। तो ये सॉल्यूशन सेट है इस इक्वेशन के लिए। तो ये केस फोर था जिसके अंदर हमने इक्वेशन सॉल्व की, जिसके अंदर दो वेरिएबल एक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक थे और दूसरी इक्वेशन के अंदर एक वेरिएबल क्वाड्रेटिक था और दूसरा लीनियर था। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना होता है, हमने एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है, फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अचीव हो जाती है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से हमने उस एक्स की वैल्यूज निकालनी होती है, वाई की वैल्यूज, और उसके रिस्पेक्टिव एक्स या वाई की वैल्यूज निकलेंगी जो हमने इस इक्वेशन पुट करेंगे, और हमारा सॉल्यूशन सेट कुछ इस तरह बनता है।